गाइस नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। मिस्टर जीवानी यहाँ कोई और भी है। ये वाला गाइस वो वाला सीन है जहाँ पर मतलब ये म्यूटू वाला है। यार ये गेम कितना बढ़िया है, इसकी स्टोरी है मतलब एकदम डिफरेंट है गाइस, एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग है और काफ़ी मस्त भी है। डोंट वरी मिस्टर जीवानी, ये सिर्फ एक बच्चा है। गजब बेइज्जती है, बच्चा मत समझो हमें, हम बहुत खतरनाक हैं। अरे 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 भाई, ये मुझसे क्यों मतलब पंगा ले रहा है? न्यू टू गाइस 100 लेवल का, वाओ मेरी तो लगने वाली है। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम एक बार फिर से खेले पोकेमॉन लेट्स गो लुगिया। सो गाइस हम पिछली बार इस टाउन में पहुंचे थे जिसका मुझे नाम याद नहीं है, पर मैं देखना पड़ेगा यार। एक मिनट गाइस, ये क्या हो रहा है अब? ठीक है चलो स्पीड कम ही रखते हैं। अबे चोमू पोकेमॉन सेंटर है। अच्छा सच में चोमू मतलब बोला उसने, ठीक नहीं है मतलब, कम से कम नाम तो ढंग से बोलना चाहिए था ना। ये कौन सी सिटी है मतलब देखना पड़ेगा, काफ़ी टाइम पास कर दी मैंने। गोल्डन रॉड सिटी, अच्छा ठीक है समझ गया। चलो देखते हैं कहाँ जाना हमें। ओ यहाँ पर एक टीम तो पड़ी हुई है, ले लेते हैं, फ्री का माल कभी भी नहीं छोड़ने का। चलो ये कौन सा है, ये क्या है? एक घर। वाह गाइस, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था ये घर है। मुझे लगा कि मतलब यहाँ पोकेमॉन सेंटर वगैरह कुछ है, मतलब जिम जैसा कुछ लग रहा था मुझे तो, है ना। सच में कुछ भी ये क्या लिखा है? वाइटनिंग नॉर्मल टाइप यूज़ करते हैं। पता है उसने अभी कुछ टाइम पहले ही ट्रेनिंग शुरू की है, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग है कि जिम लीडर बन गई। ओ अच्छा, आते हैं गाइस पहले तो। और ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पर? हटना, ये दुनिया बहुत बड़ी है लक्ष्मण। ओ लक्ष्मण बोला, ये दुनिया बहुत बड़ी है, बस यही बोलने के लिए आया तो तू यहाँ पर। हाँ हट नहीं रहा है वो, पता नहीं। ये टोटो डाइल मुझे दिख रहा है वहाँ पर, टोटो डाइल मैं कैसे ले सकता हूँ? ऊपर की तरफ मुझे टोटो डाइल दिख रहा है, शायद हम उसे ले पाए यार, मतलब मज़ा आ जाएगी फिर तो। लेट्स सी गाइस, पहले तो मैं वही लूँगा। ओ गाइस हम ले सकते हैं यार, गाइस सच में मज़ा आएगी अब तो। टोटो डाइल हम यार सेव कर लेते पहले तो। और ये क्या बकवास है, सॉरी गाइस पता नहीं एक सी साथ इतनी सारी चीज़ें हो गई। एक तो मेरा अलग तो इससे हम स्लीप कर सकते थे। चलो गाइस, अ वाइल्ड पोकेमॉन, इट इज़ स्मॉल बट रफ एंड टफ। अच्छा रफ एंड टफ, इट विल नॉट हस्टिंग टू बाइट डाउन ऑन एनी थिंग डैट मूव्स। अच्छा मतलब कोई भी चीज़ अगर मतलब हिलती है तो ये मतलब उसे बाइट कर लेगा। मुझे पकड़ना है वैसे, क्यों मैं पकड़ नहीं सकता गाइस? ये तो ठीक नहीं है, ये मजाक हो रहा है हमारे साथ, मतलब कैसे? सच में मन कर रहा है मैं उसका सर फोड़ दूँ जिसने भी मतलब ये किया है। टोटो डाइल दिखा दिया और ऊपर से मतलब हद होती है यार, मेरे गुस्सा आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। मैं बार बार हारता रहता हूँ, शायद इसलिए मेरे पोकेमॉन को मैं पसंद नहीं। हाँ ऐसे ही होगा कुछ, ठीक है बढ़िया। इतना ही मतलब टाइम पास कर रहा है, मतलब घर में बैठे बैठे क्या मतलब स्ट्रॉन्ग बनेगा तू? जाके थोड़ी बाहर जा और ट्रेनिंग कर, सफ़र पर जा मेरी तरह। चलो गाइस बढ़िया, यहाँ पर क्या है? ओ रूट 24 है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा अभी फ़िलहाल के लिए। इस बंदे से बात करते हैं, पता नहीं ये क्या करता है। सुबह से एक भी मछली नहीं फंसी। अबे तू घास में मछली ढूंढेगा तो कहाँ से मिलेगी? वहाँ जाना, वो मतलब ऊपर जाके पानी दे, मतलब पानी में डुबकी मार, वहाँ पर दो चार मछलियाँ तो मिल ही जाएंगी। यहाँ पर घास में ढूंढ रहा है मछली, बेकार आदमी। मेरा मतलब पानी वाली है। ओ हाँ हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया सर, बकवास। यहाँ पर जिम तो दिख रही है गाइस, पर अभी तो मैं नहीं जा रहा इसमें। लेट्स सी यहाँ पर क्या है। ओए लड़के रुक जा, अपने घर में ही घूम रहा है बता रहा। मेरे पोकेमॉन आइटम देखकर बहुत कुछ होते हैं, हैं? मेरे पोकेमॉन आइटम देखकर बहुत कुछ होते हैं। व्हाट, कौन सा आइटम, किसे पता? छोड़ो मैं पहले तो यहाँ मतलब सारे पैसे तो उड़ाई दिए मैंने। चलो देखते हैं गाइस इसमें क्या है। यह लगा था हमने चेक नहीं किया था ना। ओ हाँ, पोकेमॉन को प्यार करोगे तो वो तुम्हें प्यार करेंगे, अच्छी बात बताई मतलब, पर ठीक है मुझे ये पहले से पता है। चलो कहाँ जाएं हम,
ओके, ये बंदा मतलब ये क्या कॉस्ट्यूम वगैरह मतलब पहन के घूमा है। मुझे लग रहा है जिम में जाना चाहिए यार, मुझे सीधे सीधे टाइम पास कर रहा हूँ मैं। अब ये रूट 5 है गाइस, लगता है जिम में जाना पड़ेगा। पर एक बार मैं देख लूँ यार, मेरे पोकेमॉन देखूँ। एक तो ये एग हैच नहीं हो रहा गाइस, मेरा पता नहीं क्यों एग हैच नहीं हो रहा। इतनी टाइम से लेकर घूम रहा हूँ, इसे हैच हो ही नहीं रहा है। ये बंदा क्या चीज़ है, इसमें कैसे हैच होता है ये एग, कोई मुझे बताएगा। सो गाइस, आधे एक घंटे के बाद मतलब मैं मतलब इतना घूम रहा था यहाँ पर, तो अब जाके गाइस ये एग हैच हो रहा है। मतलब काफ़ी सारा मतलब मुझे मतलब इधर उधर दौड़ना पड़ा और मतलब घूमना पड़ा, तब जाके ये एग हैच हुआ। चलो देखते हैं कि क्या निकलता है इसमें। गाइस फाइनली जाके हैच हो रहा है, मुझे लगता है मतलब मुझे तो लगा था कि हैच ही नहीं होगा। लेट्स सी, वो एलिगेटर है, कोई ढंग का पोकेमॉन नहीं दे देते। चलो ठीक है, नेम वगैरह मुझे नहीं देना इसे। ओके बढ़िया। चलो गाइस, एक ही एग मतलब एक ही एग हैच हुआ है, बाकी के भी मुझे करने पड़ेंगे। चलो गाइस, दूसरा एग भी हैच हो रहा है, तो देखते हैं। अरे काफ़ी जल्दी हैच हो गया मैंने फास्ट फॉरवर्ड रखा था ना। चलो गाइस, हमें मिला है एक मिस्टर माइम, अच्छी बात है। चलो बाकी का भी मतलब जो एक लास्ट एग बचा है उसे भी हैच करते हैं। यस बढ़िया। चलो गाइस, लास्ट एग है, मतलब अभी देखते हैं इसमें क्या निकलता है। प्लीज़ कुछ ढंग का निकल जाए यार, कुछ अच्छा पोकेमॉन निकले प्लीज़ गाइस। सच में मतलब मैंने इसके लिए इतना टाइम पास किया, सच में यार। मतलब एवरा वेला क्या मतलब कैसा पोकेमॉन मिला मुझे, ढंग का पोकेमॉन भी नहीं मिला मुझे। मुझे लगा कुछ अच्छा पोकेमॉन मिलेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है मतलब काम चला लेंगे। ऐसे तो मैं यूज़ नहीं करने वाला, पर मैं ऐसे पीसी में रख दूँगा, छोड़ो। चलो बढ़िया, रखते हैं, डिपॉजिट करते हैं। मिस्टर माइम के एक अच्छा पोकेमॉन हो सकता है, पर फिलहाल के लिए ऐसे रखते हैं पीसी में। और एवरा भी रखते थे, अब मैं गाइस 6 पोकेमॉन यूज़ कर पाऊँगा फाइनल जाके। तो टोगेकी तो गाइस मुझे चाहिए, टोगेकी अपनी, पिकाचू तो चाहिए ही चाहिए। और कौन सा था मेरा, हाँ ये पोरिगोन ना रखना ही पड़ेगा लगता है मुझे। और भी काफ़ी अच्छे पोकेमॉन हैं, वैसे मैं बाद में देखूँगा। देखो मैंने एक सूडो वूडो पकड़ा था जो काफ़ी अच्छे पोकेमॉन है, अननोन भी पकड़ा था। मतलब एक बार मैं देख लूँ यार, इसकी समरी देखते हैं गाइस। अननोन की साइकिक टाइप है, बढ़िया। चलो देखते हैं कि हाँ मतलब इसका डिफेंस काफ़ी ज़्यादा लो है, तो ठीक है कोई बात नहीं। और इसका कोई मूवी नहीं है गाइस हिडन पावर के अलावा। और मैंने एक मैरिल भी पकड़ा था जो काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है। लेट्स सी गाइस, एक बॉडी टाइप पोकेमॉन मुझे चाहिए आरपी टीम में। और इसके पास काफ़ी अच्छे मूव्स हैं गाइस, ओके मूव्स काफ़ी अच्छे हैं इसके पास। एवरा यार, एवरा देखते हैं पहले, इसके पास कौन सा मूव है। और टेलीपोर्ट है, वाह क्या बात है। आई थिंक मैं सुडो वो देखना चाहूँगा मतलब। और ये मेरे मोहल्ले में पता नहीं क्यों झगड़ा होते रहते हैं जब देखो। इसका अटैक कम है, पर कोई बात नहीं गाइस, हम देख लेंगे। कॉपी कैट है इसके पास, ओके फिल है, लो किक। ओ गाइस अच्छी मूव है, तो मैं इसे रखने वाला हूँ अपनी टीम में। फिलहाल के लिए इसे रखते हैं जब तक टोटोडाइल नहीं मिल जाए। एक बार टोटोडाइल गाइस मिल जाए तो मतलब उसे हम टीम में रखेंगे, क्योंकि एक वॉरियर टाइप पोकेमॉन चाहिए मुझे अपनी टीम में। लेट्स सी गाइस, मुझे यहाँ पर एक टोटल तो दिखा था, पर देखते हैं कि मतलब मैं ले पाता हूँ या नहीं। ओ हेलो, मेरा खाने का टाइम है, बाद में आना मुझे कोई। अभी तो खाने जाना ना, मुझे तो मतलब बस पोकेमॉन पकड़ना है। चलो ठीक है, मुझे लगता है जिम में जाना पड़ेगा। अरे 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 आंटी हट जाओ। चलो गाइस जिम में चलते हैं। यस जिम नहीं देखी देखते हैं, सॉरी जिम नहीं दिखती है क्या। हाँ मतलब दिख तो रही है। चलो वाह क्या बात है, जिम तो काफ़ी बढ़िया लग रही है। वैसे किस तरह की जिम है ये, कुछ है ही नहीं गाइस यहाँ पर। कोई पोकेमॉन नहीं दिख रहा मुझे, मतलब पोकेमॉन ट्रेनर नहीं दिख रहा कोई भी। ये जिम है कैसी है, मतलब कोई खाली पड़ी हुई है जिम तो गाइस। ओ गाइस हमें लगता है यहाँ पर नहीं आना था पहले, लेसी की कहाँ जाना है। देखो गाइस यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है। हाँ ये रोकेगी हमें, दिमाग तो ठीक है ना, बिना एक्सप्लोर किए जा रहे हो। ठीक है मतलब, अरे कितना झगड़ा होता है मतलब। छोड़ो गाइस, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ आएगी, पर यहाँ पर तो बंद पड़ा है, ये जान नहीं देगा। चलो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। मैंने यहाँ पर देख तो लिया था शायद से सब कुछ, तो हम गाइस ऊपर ही जाने वाले हैं। चलो बढ़िया, मरीप है उसका नाम, दिखने से ही मरा हुआ पोकेमॉन लग रहा है। अरे चलो आगे बढ़ते हैं। ओए 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 ओए, चलो गाइस इससे बैटल करते हैं। ओ ईवी है गाइस, एक ईवी तो गाइस मुझे भी चाहिए। अमरियन तो गाइस काफ़ी बड़ी पोकेमॉन है, मुझे चाहिए। नेचर पावर सीख रहा है, अच्छा
कैसा मूवी है वैसे? एन अटैक दैट चेंज टाइप डिपेंडिंग ऑन द यूजर्स लोकेशन. अच्छा गाइस, ये चेंज कर देता टाइप. ओह बढ़िया बढ़िया. मैं मुझे लगता है कि मैं दिखा देना चाहिए. काफ़ी अच्छा मूवी है, इसमें मतलब टाइप चेंज हो जाती है तो इसे हम यूज़ करेंगे कभी, मतलब कोई फायर टाइप वगैरह आ जाए और हम कोई फायर टाइप जगह हो, जो लोग जैसे कि ज्वालामुखी कहीं पर हो, अगर हम हो बैटल कर रहे हो तब हम चेंज कर सकते टाइप, ताकि मतलब जो फायर टाइप मूव्स है ना उसका जो मतलब डैमेज ना हो. पर मुझे यहाँ पर एक एग दिख रहा है इस वो लड़के, हट जा. अरे ये हट क्यों नहीं रहा ये पुकिन फालतू सा. चलो अब ठीक है. तो कहीं समय एक पुकिन मिल गया, मतलब सॉरी एग मिल गया. कहाँ जाऊँ, ये तो बंद पड़ा हुआ रास्ता. हे गाइस, मुझे एक चीज एक और चीज़ पता चली है गाइस, हम इस पर सर्व कर सकते हैं सच में. मतलब कैसे, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सर्व कैसे कर पा रहे हैं. टोटल आई लाइट प्लीज़ प्लीज़ यार, मतलब आ जाना. अरे इसे मैं पकड़ पाऊँ, बस कह दो मुझे, मैं इसे पकड़ सकता हूँ. फाइनली जाके गाइस हम टोटल लाइट पकड़ सकते हैं, मैंने सेव नहीं किया था. चलो यार मतलब ठीक है, मुझे रीसेट करना पड़ेगा गाइस अगर मतलब ये आया नहीं पकड़ में. ओके इसका कौन सी मूव है वैसे? पॉइजन पाउडर कर सकता हूँ मैं, ये सही रहेगा. अरे अरे मैं भूल गया था गाइस, इसमें मतलब एक प्रॉब्लम है इस गेम में. अगर हम कोई भी मतलब ऐसी तरह का मूव यूज़ करते हैं ना, जैसे कि पॉइजन पाउडर हो गया, पैरालाइज वगैरह हो गया ना, पैरालाइज पाउडर कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है, पाउडर वगैरह कुछ भी होता है, अगर हम ऐसे मूव यूज़ करते हैं ना तो मतलब हमारा गेम पूरी तरह से क्रैश हो जाता है. और अब हम गाइस रीसेट करने वाले थे, पता नहीं मैंने कहाँ सेव किया था. वाह क्या बात है, मैंने बिल्कुल भी सेव नहीं किया था और मेरे जो तीन एग हैच किए थे ना मैंने, वो सारे के सारे मतलब फिर से एग बन गए होंगे. वाह क्या बात है, बढ़िया. चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से शॉर्टकट लेते हैं पहले तो. और ये पहला ही चीज़, और हम जा रहे हैं यहाँ पर आगे. यस काफ़ी बढ़िया, पहले तो सेव करूँगा इसमें सेव करता हूँ फिर बाद में देखते हैं. अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा. अरे अरे ओए लड़के. चलो गाइस सबसे पहले मैं टोगी किसको निकाल लेता हूँ अपनी, और हम करेंगे इसे स्लीप. यस स्वीट केस केस कंफ्यूज करता है ना इससे, बढ़िया डैमेज हो जाता है मतलब थोड़ा सा. लेट्स सी, ओ पुकिल नहीं है क्या मेरे पास? अबे यार ये क्या है, क्यों क्यों पुकिल नहीं है मेरे पास? मतलब ये मजाक हो रहा है मतलब सच में, अब मुझे फिर से रीसेट करना पड़ेगा. वाह क्या बात है. हे गाइस मैं इस लड़की से दोबारा मतलब बात करता हूँ तो कि मतलब ये क्या बोल रही है पता है, तुम कोई गंदी बात तो नहीं सोच रहे? अब बताओ मतलब सच में मैं क्यों सोचूंगा कोई भी गंदी बात, मैं बिल्कुल नहीं सोचता बिल्कुल. मैं काफ़ी शरीफ लड़का हूँ गाइस मैं, ठीक है. ओ एग इसे भी ले लेते. अरे अरे नहीं मुझे नहीं पकड़ना इसे. अरे यार ये कितने दिमाग ख़राब कर रहे हैं ये लोग. चलो अच्छा है मेरे पास पिकाचू है, इजीली हरा देंगे हम. ये हुई ना बात, पिकाचू बढ़िया. एक ये मतलब ये क्या बोल रहा है, मैजिक का मेरे भगवान है. हाँ सही है, अच्छी बात है बढ़िया. चलो ठीक है मुझे क्यों बता रहा है, मुझे क्या लेना देना. गाइस यहाँ पर एक बढ़िया सा पुकिन है वैसे, इसका नाम कुछ होता है पता नहीं क्या होता है, पर देखते हैं. लेट्स सी मार्क्रो, हाँ मोर्क्रो जो भी कुछ इसका नाम होता है. सब इस पुकिन से नफरत करते हैं, कहा जाता है ये सबके लिए बैड लक लाता है. ओह अच्छी बात है बढ़िया, अच्छा काम करता है तू. मुझे तो जाना है सीधा मतलब टोटल को पकड़ने, काम क्यों नहीं कर रहा मेरा. अरे सेव करना पड़ेगा मुझे पहले तो, सेव करते हैं और इसे पकड़ते हैं. ये क्या बात है, अरे क्या हो रहा है ये. एक तो गाइस मेरे दिमाग ख़राब हो रहा है मतलब, एक गाइस थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पर. फास्ट फॉरवर्ड में गाइस मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है. एक मिनट गाइस मेरे पास कौन से मूव है वैसे, अपनी टोगी किस निकालनी पड़ेगी मुझे तो. स्लीप करते हैं और ये करते हैं कंफ्यूजन, बढ़िया. आई होप कि गाइस आ जाए, मैंने ग्रेट बॉल खरीदी है. यस काफ़ी बढ़िया, ये हुई ना बात. चलो गाइस यहाँ पर तो हो गया हमारा काम और आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर कुछ है नहीं गाइस ज़्यादा, वो यहाँ पर कुछ है, कुछ नया रास्ता है यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है. ओह यस बढ़िया, यहाँ पर एक नया पुकिन भी दिख रहा है मुझे. ऊपर देख लेना है गाइस, एक बार ऊपर देख लेता हूँ, यहाँ पर कुछ है तो नहीं गाइस. चलो अच्छी बात है कुछ नया हो तो. 225 यस बढ़िया. पाइंको गाइस यहाँ पर नीचे, और ये पुकिल भी पड़ी हुई है. चलो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ होगा खास, चलो देखते हैं. पुकिल तो है गाइस, वो तो लेऊंगा यार, कुछ भी हो जाए फ्री का माल नहीं छोड़ते गाइस हम.
गाइस मुझे पता है आज के एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा टाइम पास हो गया, पर ठीक है कोई बात नहीं, होता रहता है। टाइम पास ना हो तो मतलब मज़ा ही नहीं आती, लाइफ में टाइम पास होना चाहिए। ये कुछ है यहाँ पर? नहीं है, ऊपर में देख लेना चाहिए एक बार। ओ वाओ, ये कौन से बुक है ना, इसका नाम गाइस सॉरी वॉफेट का मतलब एवोल्यूशन है, मतलब पिछले ओ गाइस फाइनली आ रहे हैं हमारे मतलब हीरोज वगैरह, हीरो के मतलब हीरो के भी हीरो हैं ये लोग, तो वहीं रुक जाओ, इंट्रो तो देने दो। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जेसी जेम्स, टीम रॉकेट हमारी लंबी है हाइट, सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट। म्याउस, दैट्स राइट। ओ मज़ा आ गई, मतलब इनका डायलॉग तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब ये डायलॉग मैंने काफ़ी मिस किया, लेकिन थोड़ा अलग है टीम रॉकेट, लेकिन थोड़ी अलग। व्हाट, इसमें अलग क्या है? तुम्हें क्या चाहिए? हम यहाँ गार्ड कर रहे हैं। वो गार्ड कर रहे हैं मतलब किस चीज़ के लिए? आगे जाना मना है, मुझे तुमसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब या बहुत हो गई बात, चलो अभी मुक्कालात। गाइस मज़ा आ रही है, मतलब मज़ा इसे वो फिर तो गाइस हम इसे आराम से हरा देंगे, बस ये काउंटर ना करें। और हम कर सकते हैं साई बीम इस पर, लेट्स सी, थोड़ा मैं फास्ट कर देता हूँ गाइस, स्पीड है इसकी। थंडरबोल्ट, ये ले, ख़त्म है, ये तो ख़त्म हो गया। ओ स्लैम सीख रहा है मेरे पिकाचू पर, सिखा देते हैं यार। क्रश है, अच्छा। आई मूव दैट वर्क डिफरेंटली फॉर द गोस्ट टाइप एंड ऑल दैट अदर टाइप, अच्छा चलो देखते हैं। वैसे इसकी जगह सिखा दे सकता हूँ, हाँ ठीक है। ओ ग्रावलेट भी है इनके पास, ग्रावलेट कहाँ से आ गए? और ये कौन से पोकेमॉन है इनके पास, यहाँ पर कैसे पोकेमॉन आ गए? आई डोंट नो गाइस, कुछ नए पोकेमॉन आए गाइस इनके पास, लेकिन इनका गाइस अपना मतलब पुराना वाला ही है। यस बढ़िया, पुराने पोकेमॉन होने चाहिए यार, मतलब मज़ा आती है पुराने पोकेमॉन में। कुछ बात है गाइस, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, छोड़ो बातों पे कैसे फ़र्क पड़ता है, हमें तो बस मज़े आते हैं, जो भी बोलना है बोल दो। एक बच्चा ने हरा दिया, टीम रॉकेट फेल हो गई। हाँ अच्छी बात है, फेल होना चाहिए लाइफ में, थोड़ा बहुत फेल हो जाना चाहिए, मतलब पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। चलो यहाँ पर मतलब घर तो दिख रहा है मुझे, एक वो कॉल सी लगा, इस काफ़ी बढ़िया पुकेन है, इस मुझे सोचना मैं मतलब पकड़ लूँ उसे। चलो ये पुकेन लेते हैं पहले तो, चलो चलें कूदो। मिल गया एक लेमन सोडा, हमें मिला एक लेमन सोडा, ये है। चलो गाइस यहाँ पर एक घर दिख रहा है मुझे, वैसे तो इसमें कुछ हो सकता है, लेट्स सी गाइस इस घर में क्या है। पता नहीं वो किस चीज़ की रखवाली कर रहे थे टीम रॉकेट। ओ गाइस नहीं ये नहीं हो सकता, मिस्टर जीवानी यहाँ कोई और भी है। ये वाला गाइस वो वाला सीन है जहाँ पर जब मतलब ये म्यूटू वाला है यार, ये गेम कितना बढ़िया है, इसकी स्टोरी लाइन मतलब एकदम डिफरेंट है गाइस, एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग है और काफ़ी मस्त भी है। डोंट वरी मिस्टर जीवानी, ये सिर्फ एक बच्चा है, बच्चा मत समझो हमें, हम बहुत ख़तरनाक है, हम मानना पड़ेगा, उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। वेल मुझे बताओ, मुझे बताया गया है था क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बच्चे को एक्सपर्ट नहीं कर रहा था। जेसी और जेम्स ने अपने काम सही ढंग से नहीं किया, हाँ उसे निकाल दो, नौकरी से निकाल दो। आखिर तुम हो कौन? टीम रॉकेट के क्या लगते हो? टीम रॉकेट दुनिया में हर जगह से पोकेमॉन पकड़ती है, वो हमारे गलत काम के लिए इम्पोर्टेंट टूल्स है, मैं हूँ उनका लीडर जियोवानी। या क्या कहा, तुम पोकेमॉन से उनकी मर्जी के खिलाफ काम करवाते हो? डॉक्टर फूजी, मिस्टर जियोवानी क्लोनिंग प्रोग्रेस पूरा हुआ, बहुत अच्छे डॉक्टर फूजी, हमें म्यूटो की
असली ताकत उसके जगने पर पता चलेगी। क्लोनिंग, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? डॉक्टर फूजी म्यूटू साइंस का बनाया हुआ पहला पोकेमोन है। हमें हमेशा दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट पोकेमोन बनाना चाहता था। हाँ ठीक है, जो भी है। ओ ये क्या हो रहा है? अरे 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 भाई, अरे भाई, लगता है ख़त्म है, दुनिया ख़त्म है। म्यूटू को म्यू के डीएनए से क्लोन किया गया है, पता है मुझे। अरे 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 भाई, ये मुझसे क्यों मतलब पंगा ले रहा है? मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन तुम्हें यहाँ सिखाना पड़ेगा कि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। बड़े काम में अपनी नाक नहीं घुसाना चाहिए, वरना बहुत दर्द होता है। हाँ ठीक है। म्यूटू गाइस 100 लेवल का, वाओ मेरी तो लगने वाली है। वाओ वाओ क्या बात है, बढ़िया। चलो लेट्स सी क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि मैं हरा पाऊँगा इसे। मैं तो हारने वाला हूँ। यस मैं हारने वाला हूँ, ऑफकोर्स मुझे हारना ही है। अरे भाई रुक जा। बेलीफ कुछ नहीं कर पाएगी। बेलीफ कोई लावा, अभी तेरी बारी है, तू भी जा मार उसे, मार। अरे म्यूटू को कैसे मारेगा? 600 रुपये भी ले लिए, बताओ बॉस होके से 600 रुपये लेता है बच्चे से, शर्म नहीं आती क्या? अहम, तुम पोकेमोन को बड़े प्यार से रखते हो। हाँ रखता हूँ, तो क्या तुम्हारे जैसे बच्चे मेरा मुकाबला नहीं कर सकते? हाँ ठीक है, इस बात तुम्हें छोड़ रहा हूँ। हमारे रास्ते में फिर टकराना मत, ऐसा कुछ बोला। म्यूटू टेलीपोर्ट यूज़ करो। निकल गए वो तो। चलो इसको भी छोड़ दे, इसको भी लेके जाते हैं ना। क्लोनिंग के प्रोग्रेस में बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स लगती है, इसलिए बाकी 4 क्लोन्स मर गए। व्हाट, 4 क्लोन मर गए? किसको मार दिया? चलो गई, यहाँ पर कुछ है तो नहीं गई, बस इतना ही था, पर काफ़ी बढ़िया था यार, मतलब मज़ा आ गई। मतलब म्यूटू गई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि म्यूटू होगा गई यहाँ पर। चलो बढ़िया, हुडूर तो गई मुझे चाहिए था यार, मुझे पकड़ना था उसे। चलो देखते हैं, कोई फ्लाइंग टाइप मुझे चाहिए यार अपनी टीम में। ओ या चलो लेट्स सी हमें कहाँ जाना है। शायद इतना ही था गई, यहाँ पर कुछ है भी नहीं, अब वापस जाना पड़ेगा हमें। वाओ क्या बात है, फिर मिलते हैं इस अगले एपिसोड में। इस एपिसोड के लिए इसमें इतना ही रखने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम पास कर लिया मैंने, और इससे बैटल करनी पड़ती है यार हैदराबाद। चलो गाइज, तो अगले एपिसोड गाइज हम जाने वाले हैं जिम में, और काफ़ी मज़ा आएगी सच में गाइज यार। मतलब मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मतलब सीधा मतलब जियोवानी आ जाएगा, और मतलब म्यूटू भी आ जाएगा। सच में यार मतलब काफ़ी सही था यार, मतलब मज़ा आ गई। म्यूटू तो गाइज काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब 100 लेवल के। तो कोई बात नहीं, हम उसे हरा देंगे, बस मुझे पोकेमोन को थोड़ा स्ट्रांग बनाना होगा, और हम हराएंगे म्यूटू को, मतलब सपने में, पहले तो सपने में हरा दूंगा मैं। चलो गाइज फिर मिलते हैं, बाय बाय टाटा सी यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में।